कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्द सिंधुर विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। जो परमागम का बीज अथवा प्राण है और जो जन्मांध व्यक्तियों के हस्ती विवाद की तरह समस्त विवादों को समाप्त करने वाला है और जिसमें सभी दृष्टियां विलसित होती रहती हैं, सकल नय जिसमें विलास करते रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, मैं उस अनेकांत को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी का ये श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का है। कल हमने इसका रस पान किया, पर अद्भुत श्लोक है और कई बातें बताता है। जितना चिंतन करो उतना इसमें सार निकलता है। इसमें अनेकांत का स्वरूप, महत्व, उसके सारे पक्ष, सोदाहरण बहुत भली भांति स्पष्ट किए गए हैं। और एक ये बात बहुत प्रभावित करती है कि आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने अपना एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें अनेकांत का स्मरण पद पद पर नहीं किया हो। उन्होंने प्रारंभ में भी किया, अंत में भी किया। प्रवचन सार, पंचास्तिकाए तो दार्शनिक ग्रंथ थे, इसलिए उनमें उन्होंने अनेकांत स्यादवाद को प्रणाम किया, ये तो ठीक। लेकिन समय सार जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ में भी किया। इसके अलावा अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, ये तो एकदम श्रावकाचार का ग्रंथ है, आचरण प्रदान ग्रंथ है, लेकिन इसमें भी वो स्यादवाद को याद कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। श्रावकाचार के ग्रंथ में, आचरण के ग्रंथ में स्यादवाद का कितना बड़ा महत्व होगा। यानी कोई अनुयोग ऐसा नहीं है, कोई कथन ऐसा नहीं है जिसमें स्यादवाद का महत्व न हो। और बहुत से, और इतना ही नहीं, इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही स्यादवाद अनेकांत पर एक नहीं, चार पांच मंगलाचरण है इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अकेले में। एक श्लोक और है आगे चल के, एके ना कर संति स्लथयन्ति वस्तु तत्व मितरेण अंतेन जयति नीतिर मंथान नेत्रमिव गोपी। जैसे कोई ग्वालिन जब दही मथती है तो एक रस्सी को खींचती है, दूसरी को ढीली छोड़ती है और ऐसे कर करके उसका मक्खन निकाल लेती है, इसी प्रकार जो लोग तत्व में मुख्य गौण से मंथन करते हैं उनको नवनीत की उपलब्धि, उसके सार तत्व की उपलब्धि हो जाती है। ये बहुत ध्यान देने लायक विषय है। और अनेकांत आचार्य अमृत चंद्र अध्यात्म के सर्वोपरि आचार्य माने जाते हैं, इसलिए अध्यात्म और अनेकांतवाद का भी बहुत गहरा संबंध है। जैन अध्यात्म
जीरो हो जाएगा यदि उसमें से अनेकान स्यादवाद को हटाएंगे, तो ऐसे ही चरणान योग भी खराब हो जाएगा। ये परमागम का प्राण है। परमागम माने जैन दर्शन, संपूर्ण जैन दर्शन का ये प्राण है। ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंद सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। ये कुछ श्लोक हमको आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। थोड़ा सा कंठस्थ करो ज्ञानाभ्यास करने के लिए, रोज थोड़ा थोड़ा कंठस्थ भी करना चाहिए, रोज दो पांच मीनिंगों का। मैं आज भी रोजाना दो चार नए मीनिंग सीखता हूँ, नए शब्दों के अर्थ रोज सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ। इसलिए आपको जो भी जान, अब देखो सिंधुर, सिंधुर माने क्या होता है, सिंधुर माने हाथी। अब ये पता, जात्यंद, जात्यंद माने जन्मांध। ये सब शब्द हमको, जिनवाणी माँ के शब्द हमको नहीं समझ में आएंगे तो हम अच्छा स्वाध्याय नहीं कर सकेंगे। इसलिए रोज कुछ कंठस्थ करो, एक श्लोक, एक गाथा, दो चार शब्द, इनसे बहुत लाभ होगा, अपने मनुष्य जीवन का बहुत सफल सार्थक बनेगा, ये अभिप्राय है। देखो कल हम थोड़ी सी चर्चा सूतक पातक की कर रहे थे, और बातें तो करने लगो तो अभी आज भी पूरी कर जाओ, बहुत सारी बातें हैं। जैसी लोगों ने मेरे पास में प्रतिक्रियाएं, प्रश्नोत्तर और सामग्री आई है, उसके आधार पर मैं आज भी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसकी चर्चा को ज्यादा अब आगे बढ़ाना उचित नहीं है। आप सब विवेकी हैं और मैंने अपना संतुलित दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया था, बहुत अच्छे से आप उस बात को ठीक से समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से समाधान हो जाएगा, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं। जैसी स्थिति है वो आपके सामने मैंने रख दी, फिर भी आपका किसी का कोई प्रश्न बाद में होगा तो और 10-5 मिनट चर्चा करनी होगी तो कर लेंगे। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि करो चर्चा इन विषयों की, सुलझनी चाहिए बात, लेकिन कभी कभी लगता है कि बहुत खींचना ठीक नहीं है। हम तत्व चर्चा, हम स्यादवाद की चर्चा कब करेंगे, मूल मुद्दा हमारा कब सुलझेगा। इसलिए ये तो इतनी सी बात थी कि हमको उसके बारे में कुछ तो वस्तु स्थिति समझ में आए। देखो एक व्यक्ति ने ये प्रश्न जरूर पूछा है कि आपने कहा कि जैन आचार्य लोकाचार से बहुत डरते हैं, तो क्या ऐसा है? अरे भैया ये भी बात सब अपेक्षा से समझना, सब स्यादवाद की बात है। लोकाचार से डरते हैं उसका मतलब क्या? व्यर्थ के लोकापवाद से डरते हैं, अन्यथा तो जैन आचार्यों ने लोक मूढ़ता की व्यवस्था की है। सम्यक दृष्टि के जीवन में लोक मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। कितना खंडन किया है लोक मूढ़, लोक की चिंता करते भी हैं। अब देखो यही प्रश्न है, अब इस पर कोई व्यक्ति आप में हम में से बोल सकता है कि जैन धर्म में लोक चिंता है कि नहीं, तो बहुत स्यादवाद के बिना आप कैसे उत्तर दोगे मुझे बताओ। हम लोक व्यर्थ लोकापवाद में नहीं पढ़ना चाहते। जो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो उनको कुल क्रम की और समाज की, जिनसे हमारा कोई ज्यादा हानि लाभ नहीं है, दूल्हे को घोड़े पे बिठाना कि हाथी पे बिठाना कि घोड़ी पे बिठाना कि गधे पे बिठाना, जो समाज वाले जिस पे बिठा दे उस पे बिठा देना, लोग कुल क्रम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन तत्व ज्ञान की बातों में ये सही है दिनेश जी, अप्रयोजन भूत बातों में हम लोकापवाद में जितना जो कुछ हमारा थोड़ा बहुत करके ज्यादा शांति रह जाए वो तो हम करते हैं, लेकिन हम लोक मूढ़ता नहीं करते हैं। इस मामले में हम बहुत सजग हैं और बहुत कट्टर हैं। प्राण भी चले जाएं तो हम जिन धर्म की श्रद्धा नहीं छोड़ते हैं, किसी लोक मूढ़ता में अंधविश्वास और पाखंड में कोई सम्यक दृष्टि पड़ता नहीं है। बहुत साफ साफ इस तरह की गाथाएं हैं। नियम सार में एक गाथा आती है, ईसा भावेण पुणो केई निंदंति सुंदरम मग्गम ते सिम वयणम सोचा भत्तिम मा कुण जिण मग्गे। कि देखो दुनिया अगर कोई किसी भाव से निंदा भी करे तो तुम इस जिन मार्ग के प्रति कभी अश्रद्धा मत करना, ऐसे करके बहुत बातें कही है, श्रद्धा विपरीत ना हो जाए। और इसीलिए मैंने ये जो सूतक पातक की चर्चा की वो भी इसीलिए की है कि हम लोग परीक्षा प्रधानी है, न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और कहीं हम किसी कुरीति को तो नहीं ढो रहे हैं जो हानिकारक हो। ये हमारी चर्चा थी और उसमें जितना संतुलित विवेक की बात थी वो मैंने रख दी। और जो जो कई मैंने कई जिन्होंने कुछ लोगों ने भेज कहा है कि मूल ग्रंथों में जो बातें आई है तो वो भी मैंने देखी हैं, लेकिन उनमें भी वही सामाजिक बातें हैं और कुछ विशेष बात मुझे समझ में नहीं आई है। स्वाध्याय मत करो, भक्ति मत करो, ये इस तरह की कोई बात नहीं आई है। वो तो लोक बिरादरी की ही बातें उसमें ज्यादा, मुझे तो कुल मिला के वही कल वाला वाक्य समझ में आ रहा है कि ये सोशियोलॉजी है, फिलोसॉफी नहीं, ये लोकाचार है, धर्माचार नहीं। ऐसे करके हमको थोड़ा सा सावधानी से सोचना चाहिए। हालांकि अब मैं आपको दो चार एक इस प्रकरण को छोड़ना चाह रहा हूं, फिर भी इस प्रकरण से जुड़ करके एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है हमको सबको जानना। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है ये ग्रंथ परीक्षा। एक ग्रंथ है, ये इतना मोटा है, बहुत जबरदस्त ग्रंथ है। पंडित जुगल किशोर मुख्तियार को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्होंने समंत भद्र पर सबसे ज्यादा काम किया है, जो बहुत उच्च कोटि के वकील थे अंग्रेजों के जमाने में। और उनको जब समझ में आया, जब वे वकालत करते थे और बहुत बड़े वकील थे, लेकिन एक दिन जब उनको आचार्य समंत भद्र हाथ में लग गए तो उनने सोचा, अरे सबसे बड़ा वकील तो ये है, मुझे तो इसे पढ़ना चाहिए। और उन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके आचार्य समंत भद्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जितनी उन्होंने वकालत में उस समय पैसा कमाया था वो सारा पैसा लगा करके उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़े समंत भद्र आश्रम की स्थापना की, एक बहुत बड़े वीर सेवा मंदिर की स्थापना की और उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया जैन साहित्य को। वे हमारी सी तरह विधिवत संस्कृत लाइन से नहीं आए थे, वे तो LLB थे, लेकिन उनको ये जब समंत भद्र मिल गए तो उन्होंने भी समंत भद्र की तरह कह दिया, भवत्य भद्रोपि समंत भद्र। और उन्होंने एक पत्रिका निकाली जो आज भी निकलती है, अनेकांत, अनेकांत नाम से बहुत विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है। नाम भी क्या चुना उन्होंने, वे कितने अनेकांत के प्रेमी थे, स्यादवाद के बहुत गहरे अनुरागी थे, बहुत बड़े धुरंधर नैयायिक और परीक्षा प्रदानी थे। उन्होंने ये एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ परीक्षा। इसमें उन्होंने सूतक पातक पर भी बहुत सारे पेज लिखे हैं
और शास्त्रों में जहां सूतक पातक की थोड़ी बहुत चर्चा मिलती है उसका भी उन्होंने इसमें उल्लेख किया है, और उल्लेख करके बड़े ही साफ शब्दों में ये लिखा है, उन्होंने तो ये सिद्ध किया है कि ये जैन धर्म की मूल परंपरा नहीं। और ये भी लिखा है, देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये सूतक पातक की जो पद्धति बिगड़ गई है इसे हमें युक्ति पूर्वक सुधारने का यत्न करना चाहिए। और आपको क्या बताऊं, ये ग्रंथ एक बार देखने ही लायक है, गारंटी से एक बार देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने इतने प्रमाणों सहित जैन साहित्य में भी क्या क्या विकार घुस गए, कहां से घुस गए, और जो भगवान का वीतराग धर्म है उसमें कितनी विकृतियां बाहर से आ गई उसको उन्होंने परीक्षा कर करके लिखा। और इसमें 6 ग्रंथों की परीक्षा है। एक ग्रंथ मिलता है उमा स्वामी श्रावकाचार्य, देखो लोगों ने कितनी चालाकी की, इनके शब्दों में कहूं तो धूर्तता की। इन्होंने तो लिखा है उमा स्वामी आचार्य ने कोई श्रावकाचार नहीं लिखा, लेकिन किसी ने उमा स्वामी के नाम पर श्रावकाचार लिखा और उसमें वीतरागता और जिन शासन के खिलाफ बातें लिखी। पूज्यपाद के नाम पर श्रावकाचार लिखा है, और देखो कई लोगों के नाम पर उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे कि वे जैन दर्शन की मूल प्रकृति से मेल नहीं खाते हैं। तो उन्होंने उन सब की परीक्षा की, और परीक्षा कर करके हमको बताया कि आप नाम एक कुंद श्रावकाचार्य बताओ, कुंद श्रावकाचार्य पूज्यपाद उमा और एक श्राव, और ऐसी मैं कितनी बातें आपको सुनाऊं। इन्होंने ये 400 पेज है, इनमें बताया है कि देखो आप देखो क्या लिखा है। एक जगह लिखा ऐसी गंदी गंदी बातें भी लिखी है कि हम सुना नहीं सकते आपको, इतनी गंदी बातें भी लिखी है। एक जगह लिखा है कि ये वाला व्रत करो एक तो मनोकामना पूर्ण होगी, और कैसे करें ये व्रत, तो बोले भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को इसका वो पारणा करना है और उस दिन तोरई की सब्जी खानी है। अब बताओ आप ऐसा कोई जैन व्रत हो सकता है भादो के महीने में, वो भी शुक्ल पक्ष में, वो भी अष्टमी को, वो भी तोरई की सब्जी, हद हो गई। तो कितने ही ऐसे ऐसे जाली ग्रंथ बने हैं और ऐसी जाली बातें आई है कि कुछ पूछो मत, हमको जैन दर्शन क्या है। देखो हमको आपको सबको परीक्षा प्रदानी बनना है और दूध का दूध पानी का पानी करना है। लोगों ने बहुत जैन दर्शन में, हम जो परिच्छेद पढ़ रहे हैं ना अभी, वो भी बहुत गजब का, वो भी यही है, क्रियाकांड में उलझा दिया सारा, परिणामों की परवाह नहीं, सारा पाप पुण्य परिणामों से बंध रहा है और क्रियाओं में उलझा दिया। तो क्रियाकांड वही उस प्रकरण से जोड़कर पढ़ें तो हम और आनंद आएगा। एक धर्म दुनिया का ऐसा है जो क्रियाकांड प्रधान है, ये करो सारे दिन क्रिया ही क्रिया, जरा जरा सी, और इतना गंदा गंदा लिखा है, जो ये क्रिया नहीं पालेगा वो नरक में जाएगा, उसके वो धन दरिद्री हो जाएगा, उसकी संतान मर जाएगी, ऐसे ऐसे इतने गंदे शब्द कोई सामान्य आदमी नहीं बोल सकता। तीव्र कसाई लोगों ने जैन धर्म में भी ऐसे ग्रंथ और ऐसी बातें प्रचलित कर दी हैं, तो उनको हमें आपको थोड़ा सावधानी से समझना है। आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊं उसमें से क्या लिखा है। देखो एक जगह ऐसा लिखा है, क्या परीक्षा परीक्षा लगा रखी है, परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा है इन ग्रंथों। देखो जो नकली माल बेचेगा ना वो परीक्षा नहीं करने देगा। देखो क्या जवाब दिया उन्होंने कि भैया वो कहते हैं परीक्षा मत करो, सरस्वती की परीक्षा करना
माता के सतीत्व की परीक्षा करने के समान निंद है। तुम अपनी माँ का सतीत्व की परीक्षा करोगे तो काय को जैन वचनों की जिनवाणी में लिखा है ना, पूजन पाठ प्रदीप में छपा है ना, आप क्यों परीक्षा करते हो? उनको परीक्षा के नाम से पीड़ा होती है और हम समंत भद्र को पढ़ रहे जो ताल ठोक करके महावीर भगवान से कहते हैं कि ठहर जाओ। बोले मैं क्या ठहर जाऊं, मेरा देखो ना आकाश गमन। बोले चील कौए भी उड़ते हैं, आकाश में गमन करने से आप मेरे लिए मान नहीं हो। जैन दर्शन परीक्षा प्रदानी है। या और धर्मों में चलता था कि नहीं नहीं जो कह दिया वो मान लो, हाथ जोड़ के मान लो, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, डराने के धंधे। तो ऐसे ऐसे बात कही है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से इसका समाधान किया है कि भैया कैसे हम तो हर किस चीज का मूल्य मैं कितना सुनाऊं। तो बहुत सारी बात है, दूध तो पोषक ही है, लेकिन कोई विष मिश्रित दूध उसके नाम पर हमें पिलाना चाहे तो हम वो नहीं पिएंगे। और इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि हम दूध के विरोधी हैं, हम विष के विरोधी हैं। उसमें जो विष मिला है, हम तो वैदिकों से भी यही कहते हैं कि वेद में जो वेद है, वेद माने ज्ञान, वो जो ज्ञान है हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन आपने उस ज्ञान के नाम पर जो हिंसा मिला दी है हम उस हिंसा के विरोधी हैं। तो ऐसे करके बहुत महत्वपूर्ण बातें आई है, क्या क्या जैन दर्शन है, क्या उसका स्वरूप है, हमें उसे थोड़ा सावधानी से समझना चाहिए। और देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सूतक पातक नहीं मानना चाहिए, हम फिर भी बैलेंस में एक रास्ता निकाल रहे हैं। हमको तो ये कहना है कुल मिलाकर के तो जो लोग ये 10-10, 15-15 दिन के लिए सारा स्वाध्याय धर्म ध्यान छोड़कर बैठ जाते हैं, ये सब ठीक नहीं है। और जो जो अपने करने के काम, जैसे जैसे जो जो औपचारिकताएं होती हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करें, जो अध्यापक हैं उनको अपना काम करना है, सबको अपना जिस तरह से थोड़ा हमारा स्वाध्याय हो वो सब हमको काम करना है। मंदिर की चीजें नहीं छूना, मंदिर की तो हम मान भी रहे हैं, कौन नहीं मान रहा है, लेकिन इस सीमा तक ही मान सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मान सकते। और ज्यादा अब इस चर्चा को क्या करें, इन्होंने कई तर्क दिए हैं, बहुत तर्क दिए, मैं तो पढ़कर दंग रह गया। और पढ़ करके मैं भी मन किया कि एक दफे मैं भी कह दूं कि कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा इतने श्रावकाचार हैं, इनमें क्यों नहीं आई ये बात, रत्नकरंड श्रावकाचार में आना चाहिए था ना, कहीं कुछ श्रावक के लिए ही, अगर ये सूतक पातक की व्यवस्था थी तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आना चाहिए था ना। श्रावक की 53 क्रियाएं लिखी है सब आचार्यों ने, उनमें आना चाहिए था ना। बोले कहीं पर भी नहीं आया, तो ये सब क्या स्थिति है, कहां से कैसे आ गई है, और उसका क्या वीतराग तत्व ज्ञान से, हमारी द्रव्य गुण पर्याय जैसी सुंदर वस्तु व्यवस्था से, हमारे मोक्ष मार्ग से, हमारे आत्मानुभूति से कैसे उसका कनेक्शन सेट होता है, वो सब शांति से विवेक पूर्वक परीक्षा करके विचार करने जैसा विषय है। अब देखो, अब मैं थोड़ी सी चर्चा जो हमारी चल रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण चल रही थी, मैं उसको उठाना चाहता हूं। हमारी चर्चा 9वें परिच्छेद में चल रही थी, पुण्य बंध पाप बंध कैसे होता है, दैव कैसे होता है, इसकी चर्चा इसमें चल रही है। और अपन ने एक चर्चा जो अंत में परसों जब हम इस प्रकरण पे कर रहे थे तब ये चर्चा कर रहे थे कि संकलेश और विशुद्ध ये दो पक्ष हैं और ये दोनों अविनाभावी हैं। जहां जहां संकलेश होता है वहां वहां विशुद्धि होती है।
हालांकि कुछ लोग इसको नहीं, इसको भी नहीं समझ रहे। किसी ने, एक ने प्रश्न पूछा है, क्या सभी द्रव्यों में, सभी गुणों में, सभी पर्यायों में संकलेश विशुद्ध होता है? मैंने कहा नहीं, ये नहीं कह रहे हैं हम। सभी द्रव्यों में, सभी गुणों में, सभी पर्यायों में संकलेश विशुद्ध होता है एक साथ, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जहां संकलेश होगा वहां विशुद्धि होगी, जहां विशुद्धि होगी वहां संकलेश होगा। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो मोटी बात ये बता रहे हैं, संकलेश और विशुद्धि सब जगह होगी। पांच द्रव्यों में तो है ही नहीं संकलेश विशुद्धि, जीवों में भी, संसारी जीवों में उनकी एक निश्चित भूमिका में ही है। वे जब अर्यंत हो जाते, सिद्ध हो जाते, तब नहीं है। तो ये जहां संकलेश, विशुद्धि का मतलब ही है, विशुद्धि माने जहां पर कुछ शुद्धि है कुछ अशुद्धि है, उसका नाम तो विशुद्धि है। शुद्धि हो जाए तो उसका नाम शुद्धि है। तो इसलिए विशुद्धि का मतलब ही है, जहां जहां विशुद्धि होगी वहां वहां संकलेश भी होगा। और यही कहने, इसीलिए ये मोटा कथन है कि जब भी कुछ कहा जाए कि ये काम संकलेश का है, ये भाव संकलेश, हर संकलेश के साथ विशुद्धि चिपकी हुई है, विशुद्धि के साथ संकलेश चिपका हुआ है। कम ज्यादा वाली बात के कारण उसे या तो संकलेश कहते हैं या विशुद्धि कहते हैं। हाँ दिनेश जी, ये चर्चा अपन ने की थी, लेकिन शशि जी ने इस विषय पर बहुत चिंतन किया और 10-12 पन्ने लिखे और मेरे को भी भेजे, और मैंने उनको बहुत शांति से पढ़ा, और उनमें से 3-4 पन्ने तो आप सबको भी मैंने ग्रुप पर भेजे। और मैं ये कई दिन से इस बात पर चिंतन कर रहा हूं कि इस परिच्छेद का महत्व क्या है और वो इसमें क्या कहना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का तथ्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है इसका? तो उन्होंने ये रहस्य निकाला और ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें जो कहना चाहते हैं वो तो ये ज्यादा कहना चाहते हैं कि हमारा पुण्य पाप रूप दैव हमारे परिणामों पर डिपेंड करता है, क्रिया पर नहीं। क्रिया क्रिया क्रिया, वो जो मिथ्यावादी है वो क्रिया से जोड़ रहा था पुण्य पाप को, कि ये क्रिया पुण्य की, ये क्रिया पाप की। और जैन आचार्य कह रहे हैं कि क्रिया करते ये क्रिया वालों की क्या क्या दुर्दशा बहुतों की होती है कि नहीं, बहुत सारी की, बहुत लोग क्रिया करते रहते हैं और कुड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रिया से पुण्य पाप बंद नहीं होता, बल्कि भावों से होता है, भावों पर ध्यान दो। और ये इस परिच्छेद का बहुत ही ज्यादा जानदार पहलू है, और यही सारी दुनिया को आचार्य समंतभद्र स्वामी कहना चाहते हैं कि अपने भाव सुधारो, सारा खेल परिणामों पर है। लोग कितनी कितनी क्रियाएं करते रहते हैं और अकुलता करते रहते हैं। मान लो कोई भी क्रिया, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता, तो रात्रि भोजन नहीं करता इसका मतलब ये नहीं होता कि अब मैं शाम के भोजन के लिए बहुत अकुलता करूं, किड़किड़ कर, बहुत संकलेश करते हैं 2 मिनट ये वो। अरे भाई, तुमने त्याग किया है सूर्यास्त के बाद का, तो उतनी शांति विशुद्धि भी तो आपके परिणामों में आनी चाहिए ना। परिणामों में विशुद्धि क्यों नहीं आती है क्रियाओं को करते हुए? इस बात पर हम सब ध्यान दें और उन परिणामों की विशुद्धि की भी जड़ सम्यक दर्शनादि है। सम्यक दर्शनादि उसकी जड़ है,
क्योंकि मिथ्यात्व के कारण जब तक पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते रहेंगे तब तक कसाएं वास्तव में मिटती नहीं है। वे ऊपर ऊपर से दबी दबी दिख जाएं लेकिन वे मिटती नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान परिणामों पर जाना चाहिए। ये बात हाँ, हर क्रिया में चेक करो कि उतना राग भी हमारा छूटा कि नहीं छूटा। कितने ही लोग बहुत देखे जाते हैं, किसी की आलोचना नहीं, ये तो अपने जीवन की बातें हैं कि ढो रहे हैं। ये ढोना बहुत गलत है। बहुत लोग धर्म के नाम पर क्रियाकांड को ढो रहे हैं। हम अपनी भूमिका ऊपर उठाना चाहिए। तत्व ज्ञान प्राप्त पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग पर ये जो अभी बात कर रहे हम सूतक पातक की कि कितना पाखंडों का विरोध करने के लिए हमारे आचार्यों ने प्राणों की बलि दे दी। जैन तत्व ज्ञान के असली स्वरूप एक पंडित आशाधर जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, पंडितई भ्रष्टचारित्रई भटरैश्च तपोधनई शासनम जिन चंद्रस्य निर्मलम मलिनी कृतम। बहुत गजब का श्लोक है। आज से 900 साल पहले पंडित आशाधर सूरी उन्होंने ये श्लोक लिखा, पंडितई भ्रष्टचारित्रई भटरैश्च तपोधनई निर्मलम जिन चंद्रस्य शासनम मलिनी कृतम। के जिनेंद्र भगवान का निर्मल शासन भी मलिन कर दिया गया। देखो भैया, छांट छांट के हिसाब पंचास्ती काय संग्रह के अंत में एक कसौटी दी गई है कि एक शास्त्र तात्पर्य हाथ में रखो, जो वचन राग द्वेष का पोषक करे वो जिन वाणी नहीं। जो येन केन पंडित टोडरमल जी ने भी लिखा कि येन केन प्रकारेण जो वीतरागता का पोषक हो वही जिन वचन है। ऐसे समझकर स्वाध्याय करेंगे तब हमें बहुत लाभ होगा। ये बहुत महंगा सौदा है अगर हमने जिन वचन के नाम पर दूध के नाम पर जहर मिला दूध पी लिया तो मौती होने वाली है, भव भवांतर तक हम रुलेंगे। इसलिए विवेक के साथ में परिणामों को संभालो, थोड़ा करो जितनी शक्ति हो। हमारे आचार्यों ने हजार बार कहा शक्ति तस त्याग शक्ति तस तपसी, जगह जगह लगाया कीजे शक्ति प्रमाण। मुझे तो ये बार बार अच्छा लगता है, जम सकदितम कि जदि जम चण सकदित हेव सदैणम सद्दह माणो जीवो पावदी अजरामरम ठाणम। आपको दिखाना क्यों है आपको और सब पर थोपना क्यों है? हम क्यों नहीं पर परिणति से अप्रभावी रहते हैं? हम क्यों नहीं अपने परिणामों को शांति से रखते हैं? अपने परिणाम क्यों नहीं संभालते? हाँ, 11-11 प्रतिमाएं हैं, कैसी कैसी स्थितियां। अच्छा बताओ, व्रतों में भी अणुव्रत कह दिया कि अणुव्रत, इससे अणु से छोटा कोई शब्द तो है ही नहीं दुनिया में, नहीं तो वो कह देते। अणु कह दिया, इससे छोटा कोई शब्द नहीं है। कितने उदाहरण दिए कि कौवे का मांस छोड़ने वाला भी धर्मात्मा बन सकता है, लेकिन तरीके से। तो शक्ति प्रमाण करो जिसमें परिणाम खराब हो। लोगों ने जबरदस्ती, अरे कितने ही लोग तो बस जैसे है ना, परभव में हमारा सब कुछ सुधर ही जाएगा बिल्कुल, उस चक्कर में ढोते रहते हैं। लेकिन हमारे एक आचार्य ने ये भी लिखा है, मैं वो भी आपको श्लोक बताऊंगा कि जो वर्तमान में आनंद दे उसका नाम धर्म है, और जो भविष्य में दे वो तो कर्म है, धर्म नहीं है। भविष्य की चिंता मत छोड़ो, वर्तमान संभालो, ये करूंगा तो वो हो जाएगा। इसलिए ये धर्म ढोने की चीज नहीं है, बहुत सावधानी से समझने की चीज है।
अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, सारा खेल परिणामों का है। भाव पाउड पढ़ो, भाव पाउड 150 गाथाओं में लिखा है, तंदुल मच्छ जरा सी भी हिंसा नहीं करता जीवन में, लेकिन सातवें नरक जाता है। जरा सी भी हिंसा नहीं, हम लोग क्रिया से 1% भी पाप नहीं करते भावों की तुलना में। भावों से हम 24 घंटे हम 99.99% पाप तो हम परिणामों से करते रहते हैं। किसी को दिखा के सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमें बड़ा धर्मात्मा हमें दिखाना नहीं है दुनिया को, हमें हमारा चित्त शुद्धि का नाम धर्म है। क्रिया 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 ये करोगे तो वो जो आठवां नौ परिच्छेद आया है, नौवां परिच्छेद, वो यही कहता है कि आप, अरे जरा जरा सी बात जो तुम्हारे निमित्त से दुख पहुंचा था उसको मैं कुछ नहीं जानता। मैं बोलूंगा कि नवीन जी भाई साहब ने मुझको दुख पहुंचाया बस, और उनको पता ही नहीं है, वो बैठे हैं बस। मैं जान बूझ के मैं कह रहा हूं ये इन्होंने लाल जैकेट क्यों पहन रखी है, ये कोई कलर है पहनने का। अब मैं दुखी हो रहा हूं, मैं इनकी लाल जैकेट से दुखी हो रहा हूं, तो अब इसका क्या इलाज है? तो भैया देखो, ये वस्तु का स्वरूप है। कोई किसी के कितना अच्छा लिखा समय सार में, कोई वचन तेरे से कहता नहीं तू सुन, तू क्यों परिणाम खराब करता है, सोच तो सही। मेरा एक लेख है कि कोई गधा कहे तो क्या सोचना, हमारे आचार्यों ने 20 तरह से बताया कि थोड़ा तो चिंतन करो, तुम्हारी कसाएं तत्काल हवा हो जाएंगी। हमको अपने परिणाम संभालने हैं, ये इस परिच्छेद का तात्पर्य है। मैं चाहता हूं कि वो शशि जी ने बहुत अच्छे पेज लिखे हैं, अगर वे कुछ सुना दें तो बहुत अच्छा रहे। देखो ये सुनो, बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी है, और वो भी पॉइंट बताना आप कि वो तो कथन सूक्ष्म है। हाँ बताइए बताइए जी, बोलिए। फिर से म्यूट हो गए। ये जो नौवां परिच्छेद जो है, मुझे थोड़ा जब से अपन पढ़ रहे थे तो तब से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ जो है, और सोचे बहुत तो, अच्छा सुलझाया आपने, बहुत जरूरी मुद्दा है, यही खास बात ये है जी। तो जो पहले अपने 7 परिच्छेद जो गए वहां पे, तो उन्होंने उपेय तत्व की चर्चा करी थी, तो वहां पे वस्तु की जो संरचना थी कि वो कैसी बनी हुई है, उस पे विचार करा था कि उसमें कौन कौन से धर्म होते हैं, विरोधी धर्म होते हैं, इस प्रकार से वहां पे इस प्रकार से विचार करा था। तो हमने वो 2 विरोधी धर्म अविनाभावी सिद्ध करे थे और दोनों तुल्य बल वाले सिद्ध करे थे। अब यहाँ पे जो ये 8वां और 9वां परिच्छेद है, इसमें अपन कारक तत्व मीमांसा कर रहे थे, मतलब उपाय तत्व की। तो यहाँ पे उन्होंने कारण और कार्य के ऊपर महत्व दिया कि कारण कार्य जो है वो सही होना चाहिए। जो एकांतवादी है वो ये बोल रहा था कि क्रिया को ही वो कारण मान रहा था और कार्य जो है वो पुण्य और पाप का बंध मान रहा था। तो यहाँ पे आचार्य ने अनेकांत से बताया, क्योंकि वह एक ही चीज पे अडिक था कि जो कारण है वो दुख देने की क्रिया है, तो उसका कहना था कि वो दुख देने की क्रिया से अब दुख पाप का ही बंद होगा। तो यहाँ अनेकांत लगा करके बताया कि वो क्रिया से मतलब नहीं है, क्योंकि वो पर द्रव्य की क्रिया है। अनेकांत ही कहता है कि जो भी होगा वो अपने द्रव्य में, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यही बात हमको अनेकांत भी बता रहा है। तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि अपने परिणामों से तुमको पुण्य और पाप का बंध होगा, तो उसके दो कथन में दोनों एकांत में भी आपस में विरोध आ गया था, तो उनको भी इसलिए उन्होंने 2 पार्टी बना दिया। दो कैसे विरोध आ गया था वो भी बताओ। हाँ, उनमें कैसे विरोध आ गया था, उसमें कहा था कि पर को दुख देने से पाप का बंध होता है,
हाँ फिर दूसरे एकांत वाले ने बोला कि स्व को दुख देने से पाप का बंद होता है, तो बोले हाँ एक बात करो कि दुख देने से पाप का बंद हो रहा है, वो तो वाह बात सही समझ में आए। अब आधी हाँ बार इधर आधी बार इधर, तो तुम्हारे हाँ आपस में ही विरोध आ गया। हाँ चार बातें थी, उसमें आपस में ही विरोध आ गया, बहुत बढ़िया, तुम्हारी बात से ही कट तुम्हारे गई। से ही कट गई। वाह अब उन्होंने अनेकांत से सही चीज बताई कि अपन हाँ ऐसा करते हैं कि जीव के परिणाम, क्योंकि हाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, जीव के हाँ परिणाम में तो बंध जीव को हो रहा है, तो परिणाम भी जीव के होना चाहिए, दोनों हाँ जैसा कारण वैसा कार्य। तो हाँ यहाँ पे अब दो बातें आ गई कि हमारे हाँ परिणाम संक्लेश रूप भी हो सकते हैं और हमारे परिणाम विशुद्धि रूप भी हो सकते हैं। तो इस वाह अपेक्षा से कथनचित करके कि यदि कथनचित संक्लेश रूप परिणाम होंगे तो कथनचित पाप बंद होगा, और हाँ विशुद्ध परिणाम होंगे तो कथनचित पुण्य बंद होगा, क्योंकि वो एक ही प्रकार का मान रहा था ना। तो यहाँ हाँ एकांत से कथनचित करके बताया कि परिणाम के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको बंद कैसा हो रहा है। बहुत और बढ़िया। फिर इसको अपन उदाहरण से समझे कि जैसे हाँ एक सुअर और सियार का उदाहरण अपन ले, तो हाँ दोनों के क्रिया तो दोनों को मारने की हो रही थी एक हाँ दूसरे को, लेकिन हाँ दोनों के परिणामों में अंतर था, वाह दोनों हाँ के परिणामों में अंतर था। तो वो सूकर को पुण्य बंद हुआ, क्रिया मारने की है, परिणाम हाँ विपत्ति वाले हैं तो पुण्य बंद हुआ, और हाँ सियार को वो परिणाम मारने के थे और संकलचित भी थे तो उसे हाँ पाप का बंद हुआ। हाँ तो कथनचित दो अलग अलग व्यक्तियों में हो सकता है कि हाँ इस परिणाम की अपेक्षा इसको पुण्य बंद है, इस परिणाम की अपेक्षा इसको पाप बंद है, जैसा वाह परिणाम वैसा बंद। तो यहाँ हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो अपन अविनाभावी जो बता रहे हैं, क्या ऐसा लिया जा सकता है कि जहां जहां विशुद्धि है वहां वहां पुण्य का बंध है, और जहां जहां संकलेश है वहां वहां पाप का बंध है? क्या अपन इस प्रकार से भी सोच सकते हैं? ऐसा मेरे को आ रहा था सोचने में। और इसमें से एक और हाँ जैसे अपन ने ये दो अलग अलग व्यक्ति लिए, सूकर और सियार, अब जैसे हाँ अपन वहां बिल्ली का उदाहरण दिया था कि बिल्ली हाँ चूहे को भी पकड़ रही है और अपने हाँ बच्चों को भी पकड़ रही है, तो जब वो वाह चूहे को पकड़ रही है तब उसके संकलेश परिणाम है, तब पाप का बंधन, और जब वो अपने बच्चे को पकड़ रही है तो उसको बचाने का भाव है तो उसको बहुत पुण्य बढ़िया परिणाम उदाहरण, है। दोनों ये बच्चे दोनों, पकड़ रही है, एक ही हाँ, बिल्ली पकड़ रही है। लेकिन कथनचित पुण्य का बंध, कथनचित पाप का बंध, जैसे परिणाम है वैसा बंध, इस प्रकार से भी अपन सोच सकते हैं। ऐसे और भी बराबर उदाहरण सोचे थे, जैसे दो लोग उपवास कर रहे हैं, हाँ परिणाम क्रिया दोनों की एक जैसी है, उपवास है हाँ हाँ और शुभ क्रिया है, दोनों क्रिया है, लेकिन हाँ मैंने उपवास क्यों किया, मैंने उपवास क्यों, तो उसके पाप बंद हो रहा है उपवास करने के हाँ बावजूद भी, और हाँ एक के थोड़ी आकुलता है तो उसके पुण्य हो रहा है। तो अपन को इस तरीके से भी अपन सोच सकते हैं कि दो अलग अलग परिणामों से एक ही व्यक्ति को दो प्रकार का बंध भी हो सकता है, और दो व्यक्तियों को एक क्रिया के अनुसार भी अलग अलग बंध हो सकता है, ऐसे बहुत बढ़िया। है एक ना? तो इससे ये भी नहीं, शिक्षा मिलती है कि औरों की भी क्रिया देखकर, जैसे पंडित टोडरमल जी ने लिखा हाँ, ना, औरों के कसाई दोष नहीं देख होना, देख कर कसाई नहीं। कसाई नहीं जैसे होना, मान लो कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है जी, और कोई नहीं कर रहा है, मान लो हाँ, एक एक व्यक्ति पूजा नहीं कर रहा तो, हाँ, और वो केवल बिना पूजा के दर्शन करके आ रहा है, अब आप कैसे जज करोगे किसके भाव ज्यादा विशुद्ध उसके है? परिणाम आप क्यों कैसे हैं? ज्यादा जी, वकालत कर रहे हो कि हाँ, जी, ये बेक हम करते रहते हैं, वो हाँ, ज्यादा धर्मात्मा है, हम हाँ, ज्यादा धर्मात्मा, कम धर्मात्मा भी जो ज्यादा वैसे उपवास देखते हैं, करे, हम हाँ, क्रिया से वैसे क्रिया मानते हैं को मान ये लेते तो हैं, 10 उपवास करता है, ये बड़ा धर्मात्मा है, हाँ, यही, चाहे और उसके संकलेश हो रहा हो। जी, तो हाँ, ये मैं तो सोच रहा हूं, ये बहुत ही बहुत ही बहुत बड़ी बात है कि जी, हाँ, जी, ध्यान भावों पर देना है, भावों पर भावों देना, का मूल सम्यक दर्शन है, हाँ और क्रिया, हम क्रिया से जोड़ रहे हैं, और क्रिया हाँ का क्या खेल है। हम देखो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, अपने घर में कोई पेशेंट, कोई डायबिटिक व्यक्ति है। अब मान लो मेरे घर में एक आदमी डायबिटिक है,
अब मैं तो कह रहा हूं कि सबको, मैं उसे भी गुलाब जामुन दे रहा हूं और मम्मी कह रही नहीं नहीं इससे वापस ले आओ, माँ तो उससे छीन रही है, कह रही इसको मत परोसना, अरे उसको क्यों दे दिया, तू छोड़ दे, वो उससे ले रही है और एक दे रहा है, तो देने वाले को पुण्याश्रय होगा कि लेने छीनने वाले को पुण्याश्रय होगा। हाँ, अब ये हो गया ना इससे, क्योंकि जो देने वाला है वो उसका बुरा कर रहा है, संकलेशता है ये, और माँ भले गुस्सा कर रही है लेकिन उसके परिणामों में उसके प्रति जागरूकता है भला करने की। और मुनिराज जी के आचार्य कहते हैं शिष्य को कि आज तुम्हें आर पे नहीं जाना है, आज तुम्हें उपवास करना है तुम्हारा, तो मुनिराज ने जो उसे उपवास दिया वो उनकी विशुद्धि है, विशुद्धि का अंग है वो, संकलेश का अंग नहीं है वो। तो ये देखो, ये जैन शासन का, जैन आचार का, जैन धर्म का, जैन साधना का, पूरी जैन साधना का ये प्राण है कि तुम क्रिया 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 परद्रव्य की क्रिया उसके पीछे पड़े रहते हो, वो क्रिया हमारे हाथ में उतनी होती भी नहीं है और उस क्रिया के पीछे ही तुमने सब निर्णय कर लेते हो, जबकि अपने भाव, और जब भावों पर जाओगे परिणामों पर आओगे तब तो हम अभिप्राय पर ले जाएंगे, परिणामों पर आएगा तब हम बताएंगे कि अभी भी तेरे परिणामों में वो शुद्धि नहीं आई है जो आनी चाहिए, फिर हम और आगे ले जाएंगे। जैसे पहले कहा कि देखो तुम अभी क्रोध मत करो, तो वो नहीं कर रहा है जैसे तैसे, फिर उससे कहा कि अभी तो तुम जो क्रोध नहीं कर रहे हो ना, वो तुम अभी ऊपर ऊपर से नहीं कर रहे हो, अभी अंदर से तुम्हारा क्रोध नहीं गया, अभी तुम्हारी अनिष्ट बुद्धि है उस चीज में। देखो तुम है ना, तुम खाना नहीं खा रहे लेकिन अभी तुमको है ना उसमें इष्ट बुद्धि है, तुम वो छोड़ो, तुम्हारे अंदर में है उसको भी निकालो, तो वो जो अंदर का सूक्ष्म अभिप्राय तक पहुंचाएंगे। और उस इस नौवें परिच्छेद में इसीलिए कि जो दोनों नहीं करता उसे ना पुण्य तति बनती है ना पाप बनती है, ये भी बात थी। उन्होंने यहाँ से निकाल ली, तीसरा गजब कर दिया। एक और जो अपना पॉइंट था कि जो ये अपना एकांती है ये तो स्थूल मिथ्या दृष्टि है। ये पॉइंट सुनो सब लोग, बहुत अच्छा है, फिर से कहो आप एक बार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो एकांती है कि ये स्थूल मिथ्या दृष्टि है, ये तो अन्य मत वालों से आचार्य चर्चा कर रहे हैं, तो उसे कर्णानुयोग अभी कुछ भी पता नहीं है, तो एक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद इतने संकलेश के अंश इतने ये वाले अंश उसे कुछ थोड़ी पता है, वो तो अभी क्रिया में उलझा हुआ है कि इस क्रिया से मेरा ये बंद हो जाएगा, तो इसे अपन इसको कर्णान योग के बेसिस पे हल करना मुझे जैसे कम लग रहा था परिणाम विशुद्धि। हाँ, मतलब ये हुआ कि विशुद्धि और संकलेश की बात ये तो करुणान योग के सूक्ष्म धर्म कांटे की बात है, और वो यहाँ जो समझाया जा रहा है वो तो स्थूल मिथ्या दृष्टि एकांतवादी को समझाया जा रहा है, उसने तो क्रिया से जोड़ रखा है सारा का सारा तमाशा, उसको कहाँ ख्याल है कि एक ही परिणाम में विशुद्ध। हम और आप अपने लिए भी समझ लें, वो एक न्यारी बात है, हम समझ लें अपने लिए वो ठीक है, लेकिन वो तो उसको तो उस विषय पे समझा के क्या करते, उसको तो ये समझा करके देखो भाई क्रिया से मत जोड़ो, क्रिया से मत देखो, एक दूसरे पर आरोप मत लगाओ, ये महाराज जी उपवास कर रहे हैं तो ये माने एक उपवास कर रहे हैं एक आहार पे जा रहे हैं, तो बड़ा धर्मात्मा कौन, लोगों ने क्रिया से जोड़ दिया, सब चीज लोग क्रिया क्रिया से जोड़ रहे थे, एक ऐसा वातावरण बन गया था सब जगह, तो उसको इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया क्रियातीत होने का, क्रिया से ऊपर एक्सरे मशीन बनाई, कपड़े कैमरा नहीं बनाया, फोटो फोटो कपड़ों की फोटो ले लो, कैमरा नहीं एक्सरे मशीन, अंदर देखो कहाँ हड्डियां हैं,
तो ऐसे करके ये बहुत ही बढ़िया आनंददायक बात आई, तो मैंने सोचा आपको ये बताएं। हम लोग 24 घंटे अपने भाव संभालें, उनको जी समझें, और भाव संभालने पर भी अभी खूब चर्चा हो सकती है। भाव कैसे संभालें, परिणाम ऐसे थोड़ी, माने वो सब उसकी एक वैज्ञानिक विधि है। जैन दर्शन में कैसे, जब अंदर में तत्व ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन आदि होते हैं, तब सहज भाव शुद्धि होती है। कैसे कैसे होती है, और तो वो सब समझने का विषय है, और ये इस परिच्छेद का सार है। हाँ, तो आखिरी में टोडरमल जी पंडित जी ने यही कहा था कि हमारे हाथ में तो तत्व अभ्यास है, तत्व हाँ अभ्यास और तत्व निर्णय, तो भाव भी उसी से संभल जाएंगे, क्रिया भी उसी से संभल जाएगी और आगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसी से होगी। बराबर, अपना कर्म सिद्धांत बहुत प्रबल है। जैसी हाँ भी स्थिति है, सब जीवों को देखो, दूसरे को देखकर कसाई मत हो, अपने को देख करके भी सब चीजों को क्या वस्तु व्यवस्था है, सुंदर, इतनी सुंदर जैन तत्व दर्शन है, इसको समझने के बाद में कहाँ परिणाम खराब करने की गुंजाइश हाँ है। हमें आप सबको चक्रवर्ती इंद्र आदि की से भी कीमती ये मनुष्य जन्म, जिसकी एक एक घड़ी, उसको है ना, हम फालतू में परिणाम खराब करते हैं। हाँ हमारे मन वचन काय को कभी दूषित नहीं करना, कुछ भी हो जाए। हमारे बड़े बड़े आचार्य मुनिराज कैसे, सब बड़े बड़े उपसर्ग सहन कर गए। सेठ सुदर्शन ने इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी एक स्पष्टीकरण तक देना जरूरी नहीं मीडिया समझा। एक स्पष्टीकरण तो दे देते मीडिया को बुला करके कि मैं निर्दोष हूं, मेरे पे झूठा आरोप लगाया गया है। एक बार तो कह देते, अपनी पत्नी को तो बता देते कि नहीं, मेरे पे झूठा आरोप लगा है। कुछ नहीं बोला अपने, जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि कोई भी बात हो, कोई विपदा आए, कंकर गिरे, तो कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। अपने उपयोगों को अपने अंदर समेटो, जिन शासन मिला, इससे बढ़िया कोई क्या चीज मिली है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अपने भाव संभालो, भाव पाउड पढ़ो आप, कैसे कैसे, जेको तुस मासम घोषण, तो तुस मास भिन्न करने वाले को भाव शुद्धि हो गई, वो महानुभाव बन गया। और जो नहीं कर पाया, वो कितना भी बड़ा, क्या क्या, कितने व्रत करे, कितने ज्ञान करे, कितनी क्रिया करे, वो नहीं सीजता। भाव शुद्ध होता है, वो सीजता है। तो हमें सीजना है तो भाव शुद्ध करना होगा। सही कहा वर्धमान जी, भाव से ही भव सुधरेगा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लगी, इसलिए आज फिर रखा इसको। हाँ जी, हाँ वैभव जी गोधा। हाँ जी साहब, हाँ बताओ भैया जी। 2-3 दिन पहले ही संयम प्रकाश ग्रंथ का जो शाम को अध्ययन चलता है ना, तो उसमें ये बहुत अच्छा उदाहरण आया था हाँ कि जो ज्ञान से जो अंधा पुरुष है, हाँ उसको उसको वृक्ष सिर्फ छाया ही दे सकता है, उसको आम का फल वृक्ष से नहीं मिल सकता। हाँ वैसे ही जिसकी जो भावना है परिणाम में विशुद्धि नहीं है हाँ और उसको क्रिया ही कर रहा है, तो उसको हाँ सिर्फ मतलब ऐच्छिक फल की प्राप्ति तो नहीं होगी। सिर्फ वो हाँ वृक्ष से, जैसे अंधे पुरुष को सिर्फ वृक्ष से सिर्फ छाया ही मिल सकती है, वो आम का फल हाँ ऊपर से तोड़ के तो नहीं खा सकता, क्योंकि उसको पता हाँ नहीं है कि ऊपर आम का फल भी है। तो हाँ उसी तरह से मतलब वो उदाहरण यहाँ पे भी घटित होता ही है। मतलब यदि परिणाम आपके विशुद्धि नहीं है और क्रिया कर रहे हो, तो आपको सिर्फ छाव मात्र मिलेगी, बाकी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इच्छित फल है वो तो नहीं मिल सकता। नहीं, ये बात हमको समझनी ही पड़ेगी कि भाव नहीं सुधर, परमात्म प्रकाश पढ़ो, योग सार पढ़ो, पाउड दोहा पढ़ो, ये लिखा है कि क्या रखा है, ये तेरा सब ढोंग है अगर तेरे परिणाम नहीं सुधर रहे तो। चित्त शुद्धि का नाम ही धर्म है, मन शुद्धि का नाम धर्म है, उस पर ध्यान दो, ऐसे बहुत लिखा है उसमें। जीव ने बहुत बार भव भव में कितने क्या क्या नहीं किया, पर भाव शुद्ध नहीं किए। और भाव शुद्ध भी सच्चे भाव शुद्ध हो जाए,
वो गजब की बात है। ऊपर ऊपर से शुद्ध भी बहुत बार हुए पर उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। अभी तो क्रिया पर गिरा पड़ा है वो। हाँ अर्चना जी। हाँ बताइए बताइए भाई साहब। हाँ बताओ बताओ। हाँ मैं थोड़ा सा ये कहना चाहती हूँ। हाँ कि अपनी सूतक वाली चर्चा में जो भी हाँ, मैटर आया हम लोगों को पढ़ने के लिए, हाँ तो कुल, और जो आपने भी कहा, तो बात हाँ, कुल मिला के ये समझ में आई, हाँ सूतक उनको ही लगता है जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवन। हाँ, जितने भी उदाहरण आए उनमें हाँ, भरत चक्रवर्ती का या रावण के परिवार का, तो वे सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष थे। हाँ, उनको सूतक नहीं लगता। तो इसका यदि हम आध्यात्मिक पहलू देखें कि हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप न समझने के कारण सबसे बड़ा मिथ्यात्व का ही सूतक लगा पड़ा है, और मिथ्यात्व के सूतक के बिना कैसे हटे बिना कैसे काम चलेगा, एक बात। दूसरी बात कि यदि बाहर में ये जो मैं फिजिकल रोका जा रहा है, हाँ, तो भी कारण उस पर चर्चा पूरी हो ही चुकी है कि हाँ, भाई ग्रंथ लेके स्वाध्याय नहीं करो, हाँ, लेकिन वहां ऊंची क्रियाओं का तो कोई निषेध नहीं किया गया। हाँ, जैसे मैं पहले की बात बताती हूँ, जब अशुद्धि के दिन होते थे और हाँ, हम पंडित साहब वगैरह से चर्चा करते थे, तो हाँ, हमारे को ये वहां से समाधान मिलता था कि भैया अब तो तुम्हें भोजन भी नहीं बनाना, हाँ, और दूसरी कुछ छूनी नहीं है, हाँ, तो ये आपको निरालंबी होने के लिए ये कितना सुंदर अवसर आया है। हाँ, कि आप देखो कि जो आपने अब तक स्वाध्याय किया उसका चिंतन मनन करो, भोजन भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, तो जो उच्च क्रिया है उनके लिए तो कोई रोक नहीं लगी, है ना। हाँ, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि अभी अभी हमारे घर में दो प्रकार की ऐसी समस्याएं आई। हाँ, जैसे मेरी भाभी की का देह परिवर्तन हुआ। हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि अमित भैया महेंद्र भैया को बुलवा के हम लोगों ने घर में 5 दिन का शिविर रखा, और हाँ, घर के पूरे बच्चे से लेके बड़े तक सारे लोगों ने, अब किसी को दुकान नहीं जाना, घर में भोजन नहीं बनना, शुरू के 3 दिवस तो ऐसे ही चलता है, तो खूब जम के स्वाध्याय हुई। 3-3 टाइम हम लोग 2.5-2.5 घंटे बैठते थे सुबह दोपहर शाम, और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा। नहीं देखो, एक बात सुनो आप। देखो एक तो ये वाक्य जरा कम ठीक लग रहा है कि मिथ्या दृष्टि को ही सूतक लगता है, ऐसी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि हो, वृत्ति श्रावक हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, अरे ऐसा तो उनके सूतक की बात तो कहाँ आई ग्रंथों में, आई जो घर जैसे मान लिए बड़े पंडित साहब हैं, आइए उनके भाई का स्वर्गवास हुआ अभी, तो हाँ, पंडित साहब को क्या सूतक लगी? सुमजी भाई साहब के पिताजी का चले गए तो उनको कहाँ सूतक लगी? देखो ऐसा भी लिखा है कि मुनि महाराज भी हो ना, मुनि महाराज भी तो सूतक वाले घर में आहार लेने नहीं जाएंगे। हाँ, वो नहीं जाएंगे सूतक वाले घर में, वो अलग बात हो गई। तो एक व्यवस्था तो है ना। हाँ, सूतक की जो सामाजिक स्थिति है, मान लो कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि व्रति है तो वो, और उसके घर में सूतक लगा है, आपने गृह त्याग कर दिया तो बात न्यारी बात है। अगर आप पंचम हाँ, गुण स्थान वर्ती हो, सातवीं आठवीं प्रतिमा तक भी नौवीं तक भी घर में हो, तो आप ये नहीं कि सूतक लगाए तो जा करके नहा लोगे और अभिषेक कर लोगे भगवान का, नहीं कर सकते। तो सूतक पातक की जो सामाजिक व्यवस्था है हाँ, वो तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है। अपन तो सिर्फ इतनी सी बात सामान्य रूप में स्वाध्याय तत्व चर्चा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो ये बात है। तत्वाभ्यास करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मंदिर की वस्तुओं को नहीं छुआ जा सकता, सामाजिक व्यवस्था नहीं की जा सकता। जो तो अभी तक मतलब मेरे को ऐसा इसका ये लगा कि जितने भी एग्जाम्पल कोड किए गए वो सारे ज्ञानी धर्मात्माओं के ये एग्जाम्पल कोड किए गए कि उनके घर में बच्चा हुआ, कल आपने भी ऐसी बात आई थी और हाँ, उन्होंने विधान रचाया हाँ, उनके, वो रावण की मृत्यु हो गई
और अनंत वीर भगवान का समर्षण आया तो इंद्रजीत और वो सब लोग समर्षण में चले गए। हाँ नहीं देखे, लेकिन अब वो चले गए का क्या, मंदिर में भी जाना को गलत नहीं है, वहां जा, हम भी, मैंने बताया ना, हम भी जाते थे मंदिर, दूर से दर्शन करते थे, चलो जैसी भी, थोड़ा सा है ना सावधानी से इस विषय को समझ, आज का भी समय हो गया हमारा बराबर। बहुत अच्छा जी, अभी और जो वीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं उनका अंतिम सुन के हम अभी की सभा को विराम लेंगे। हाँ गुरुजी, जय जिने। हाँ जी, अच्छा गुरुजी, जैसे इसमें भाव शुद्धि की बात हुई तो हाँ, इसमें भी चर्चा होनी चाहिए कि भाव शुद्धि का मतलब क्या होता है, क्या भेद ज्ञान है भाव की शुद्धि का मतलब? ये तो प्रकरण बहुत अच्छा है, भाव शुद्धि कैसे हो, और 1-2-4 घंटे बोल सकते हैं खूब आराम से, ये बहुत जरूरी विषय है, देखेंगे कोई योग बैठेगा तो, और नहीं तो वो भाव पाउड पढ़ो तो सब समझ में आएगा, बड़ा अद्भुत है। और मैं भाव शुद्धि पर एकाधा व्याख्यान होंगे भी तो देखूंगा। देखो मिथ्यात्व जाए, इन्होंने लिया था समंत भद्राचार्य ने टीका और इन्होंने विद्यानंद आचार्य ने, कि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान वो विशुद्धि के अंग है, भाव शुद्धि धर्म ध्यान के बिना नहीं होती और धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से पहले नहीं होता। तो भाव शुद्ध वास्तव में सम्यक दृष्टि के होते, मिथ्या दृष्टि के भाव वास्तव में शुद्ध नहीं होते, अंदर में कहीं कहीं वो अभिप्राय विपरीत पड़ा रहता है, तो भावों में वो शुद्धता नहीं आती है। सामान्य शुद्धता तो है, शुभ भाव तो होता है, पुण्याश्रव तो होता है, उसका निषेध नहीं है। सब विवक्षा समझना, सब कहीं पर भी छल ग्रहण नहीं करना, बात को थोड़ा सावधानी से ग्रहण करना। चलो बस। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।